यस बच्चे, अब मैं दिखाई भी साथ दे रहा हूँ और सुनाई भी दे रहा हूँ आपको। यस दिखाई भी दे रहा हूँ और सुनाई भी दे रहा हूँ। यस तो आज कुछ बच्चे लेट है, कोई बात नहीं, विल स्टार्ट। तो इन द मेन टाइम जैसे आप आ जाते हैं तो पीछे का जो है ऑलरेडी प्रोग्राम जो है वो आप डिस्कस करते रहना चाहिए। एनीवे ओनली ए फ्यू टर्मिनोलॉजी लेफ्ट। चलो तो After that, we will start showing the page. Now, let us see the difference between monohybrid and dihybrid crops. देखो, हमने आपको for clear vision के लिए इस साल में गार्डन ट्री का पिक्चर भी भेज दिया। यदि आप उसे गौर फरमाएंगे, यू कैन सी उसमें, जब नजदीक से देखेंगे यू कैन सी द पोजीशन ऑफ द फ्लावर, पोजीशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर, इस चीज आपको दिखाई देगा। जो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जब सीड यू कैन नॉट सी, क्योंकि फरवरी का पिक्चर है, अभी वो राइपेंड नहीं किया था। तो लेट अस सी, देखो तो कैरेक्टर होगा इन प्लांट्स, दे आर मेनी कैरेक्टर्स एवरीवेयर, बट आप क्रॉस कर रहे हैं फील्ड में, बट हम आप सिर्फ एक कैरेक्टर को देखना है आपको। मान लो सीड का कलर देखो, या हम सीड की शेप देख रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं देखना हमें, तो उसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉप्स। लेकिन एट ए टाइम कोई दो चीज को आप कंसीडर करेंगे एट ए टाइम तो उसको बोलेंगे डायहाइब्रिड। यदि हम तीन को ले लें तो ट्राइहाइब्रिड। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ट्राइहाइब्रिड तक। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन वन कॉन्ट्रास्टिंग
कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एट ए टाइम. आप एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉल और डार्क, येलो एंड ग्रीन, तो उसे हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड. और वन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एट ए टाइम. फॉर एग्जाम्पल जो आप हाइट भी देख रहे हो और आप सीड कलर भी देख रहे हो, दो कॉन्ट्रास्टिंग आप देख रहे हैं. हाइट में टॉल एंड डॉर्फ हम देख रहे हैं और सीड कलर में हम येलो एंड ग्रीन. दो कैरेक्टर को हम लेके चल रहे हैं तो इसे बोलेंगे डायहाइब्रिड. लेकिन कोई एक ही कैरेक्टर को हम लेके चल रहे हैं, हाइट एक कॉन्ट्रास्टिंग टॉल एंड डॉट, तो मोनोहाइब्रिड. अब दोनों कैलकुलेशन हमको करनी है. तो फर्स्ट आप इसको नोट कर लिया, तो अब हम आगे पढ़ेंगे. थोड़ी बुक्स सामने में आपको खोल दिया हूँ और वहां से आप क्वेश्चंस भी देखना शुरू करेंगे. हम ठीक है बच्चे, आप कैसे नोट करने हैं तो आप बता दें, वी विल स्टार्ट. तो डन. तो अब देखो, ये हमने ये सेकेंड चैप्टर खोला हुआ है. अब आदमी जो है आगे काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे वर्ड आपको मिलेगा. आप बच्चे यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर गौर करिए, गौर फरमाइए, साहिवाल गांव ऑफ पंजाब. अब यहीं से आपने सारा पढ़ लिया, अब यहाँ से क्वेश्चन रेज कर दिया. ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फिर आंसर बताऊ. ये इंट्रोडक्शन में डाला है बट क्वेश्चन तो है. एक यहीं पर जिनके पास बुक है वो यहीं पर बच्चे क्वेश्चन बना लोगे पेंसिल से, और जिन बच्चों के पास नहीं है वो अपनी कॉपी पर लिखेंगे क्वेश्चन. हाउ साहिवाल गांव ऑफ पंजाब was developed. अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, पूरी चैप्टर की भी कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे. अब ये उसे पूछा जाए तो कैसे बना, तो कहा ये तो बुक में है नहीं, हमने शुरू इंट्रोडक्शन में है. ये क्वेश्चन बच्चे क्योंकि बुक हैज गिवन टू पॉइंट्स, तो अब ये भी लिखना शुरू करेंगे. दो पॉइंट पूछेंगे तो ये, और ये वन प्लस वन टू के लिए भी आएगा. अब इनका आंसर देखिए कहाँ लिखा है. तो हमने यहाँ लिखा साहिवाल ऑफ पंजाब, बट इनकी आंसर आपको इससे पीछे दिया है. यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आंसर है आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जिनके पास में बुक है वो नंबर लिखेंगे, ये नाम लिखेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन. तो किसी भी चीज के इम्प्रूवमेंट के कई तरीके हैं. तो यहाँ तो पॉसिबल है डोमेस्टिकेशन एंड आर्टिफिशियल सेलेक्शन, तो आपको ये नंबर मिल गया, डोमेस्टिकेशन एंड आर्टिफिशियल सेलेक्शन. अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज डोमेस्टिकेशन और ये क्या हमारे पास और भी है कहीं पर. यस, ये अब आपको चैप्टर नंबर 9 में फिर दोबारा से आना है. तो जब यहाँ ये डाल रखा है तो यही समझ लें,
पहले तो ये आंसर आपको इतना ही लिखना है, यहाँ पर यदि पूछा जाता है फ्रॉम द जेनेटिक्स इससे आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ मैं थोड़ा एलिबरेट करना चाहूंगा, मोहम्मद जय साहब से आर्टिफिशियल सिलेक्शन बताए थे, तो आपको यदि इसको छोड़ देंगे बच्चे तो इससे पेट पर मार्किंग होंगी, पहले तो डोमेस्टिकेट करेंगे ना। आप देखो ये आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया तो मैं आपको डोमेस्टिकेशन बताऊंगा। अब एक कहीं पर लिखो मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट, शॉर्ट में मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है ये चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो दोनों के लिए लागू होगा। अभी आप जेनेटिक्स डील कर रहे हैं, अभी चैप्टर नंबर 9 में आना। तो डोमेस्टिकेशन का डेफिनेशन लिखे, व्हेन एनीथिंग दैट इज प्लांट और एनिमल bring under human management. This is the definition of domestication. इसकी literally meaning होती है पालतू बनाना। ये तो first step होता है domestication। तो साहिवाल ऑफ पंजाब जो हुआ उसको उन्होंने पहले domesticate किया यानी उसे पाला, और उसमें से जो अच्छे वैरायटी उनको लगा जिसमें पर लैक्टेशन मिल्क होता है और वो डिजीज फ्री है उसको सेलेक्ट कर लिया, दिस इज आर्टिफिशियल सेलेक्शन। लेकिन इसके अलावा एक मेथड और मैं याद कर देता हूँ, तो इसमें आप नहीं देखेंगे डोमेस्टिकेशन के बाद होता है इंट्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में। इंट्रोडक्शन हो गया जब कहीं पर डोमेस्टिकेट किया उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया, दैट इज आल्सो ए मेथड ऑफ डेवलपमेंट। व्हेन द डोमेस्टिकेटेड प्लांट ऑब्लिक एनिमल इज ट्रांसफर्ड from one place to another, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन के भी टाइप्स हम चैप्टर नंबर 9 में बताएंगे। तो यहाँ दो ही चीजें थी, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता था जिसको अपने कर दें। वन पॉइंट आपने लिख के छोड़ दें, इंट्रोडक्शन व्हेन द डोमेस्टिकेटेड प्लांट और एनिमल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसके बाद यहाँ का इस पार्ट का काम खत्म, लेट अस कम ऑन द मेंडल्स वर्क। अब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस शुरू करेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी हम यहां से करेंगे। अब देखिए इसमें नई चीजें आपको आएंगी, यहाँ मेंडल्स लॉ। आप देखिए मेंडल का जो नॉर्मल हिस्ट्री है उससे हमारा बहुत मतलब नहीं है, बट इनका पहला नाम जॉनसन मेंडल था, नॉट ग्रेगर मेंडल। तो एक्चुअली इनके साथ था क्या, ही वाज अ मैन ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये नौकरी की तलाश में भटकना शुरू हुए थे, दैट इज द प्रॉब्लम विथ हिम, पर्सनल प्रॉब्लम थी इनके साथ। और इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही ज्वाइंड द चर्च, शॉर्ट में बता दूं, देन इनका नाम बदल के ग्रेगर मेंडल रख दिया, जॉनसन को जॉनसन का हटा दिया ग्रेगर मेंडल। तो ये थे 1856-1863 के बीच है। तो इनके टाइम में मैं आपको बता दूं, ना क्रोमोसोम का पता था ना इसका पता था, फिर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर डाला और इमेजिनेशन, और इनकी की ऑफ सक्सेस क्या था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसको लोगों ने पहले तो कहा था ये बेकार है मैथमेटिक्स की कोई जरूरत नहीं है, बट दैट वाज द की ऑफ सक्सेस। उस पर हम पॉइंट पर आएंगे, बुक में लिखा हुआ है। अब यहाँ से पहले आई जो व्हाट हाउ मेनी कैरेक्टर्स मेंडल सेलेक्टेड, हिस्ट्री की ज्यादा बात ना करें हम, तो मेंडल सेलेक्टेड बुक में लिखा है 14 कैरेक्टर्स।
14 characters, down 7 contrast. सात के साथ कैरेक्टर यहां लिखे हुए हैं, तो एक में दो है, हाइट लिया तो टॉल एंड व्हाट, सीट कलर लिया तो येलो एंड ग्रे, तो ये कैरेक्टर वहां लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पिक्चर दिया हुआ है कैरेक्टर। अब हम यहाँ से जो इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए हैं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इससे पहले जो मेंडल अपने पेपर जो वर्क करने के बाद पब्लिश किया था और जिसको लोगों ने नहीं माना, उस पेपर का नाम था, लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो प्रून सोसाइटी, इनका ये पेपर, इसके पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बट इसमें एक गौर करने की बात है, साइबर कॉ पंजाब इसलिए स्पेशल है, देखिए कॉ का वेराइटी है जो पर एक तो डिजीज फ्री होनी चाहिए, जो चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़ेंगे, और पर लैक्टेशन माने एक टाइम में वो कितना मिल्क दे, तो एक ही वेराइटी की काउ कहीं पर है बहुत सारा, उसमें से एक हो सकता है ज्यादा मिल्क दे। अब देखो पूरे ह्यूमन है, आप ही सब सारे दोस्त हैं, उस दोस्तों में कोई एक जो होगा बड़ी कोई ना कोई बहुत मजबूत होगा, सारे वैसे नहीं होंगे, तो हमको मान लो एक को चुनना है, जो भाई चलो इसमें मसल मैन कौन है, तो एक को सिलेक्ट करेंगे, वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ, तो वैसे ही एनिमल्स में होगा। पर लैक्टेशन में कितने मिल्क हो रहा है, कितने दूध दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं सारे डिजीज फ्री भी हों, यही बात होती है, इसमें कैरेक्टर देखा जाता है। तो वहां कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था बच्चा, अब बाद में साइंटिफिक मेथड भी किया गया, जो हम सब चैप्टर में जब बायोटेक में आएंगे तो फिर बताऊंगा तो कैसे कैसे किया जाता है। अब हम लोग सबसे पहले आ जाए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हेडिंग लिखो, पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये पार्ट आपको टेंथ में कर चुके हैं, इसे थोड़ा स्पीड में करिए, हमको इसमें उससे आगे की बात करना है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में तो दोबारा करना पड़ेगा। वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, बुक ने हाइट को लिया है तो हम भी हाइट को लेंगे, तो हम लोग इंट्रोडक्शन में करते करते काफी डिस्कस कर चुके हैं, तो ही हैज क्रॉस वन टॉल और दूसरा ड्वार्फ, जो प्योर ए ट्रू ब्रीडिंग थे, मतलब इन्होंने देखा जो एक टॉल प्लांट हर जनरेशन में टॉल टॉल ही दे रहा था, तब उसने क्रॉस शुरू किया। अब क्रॉसिंग कैसे करेंगे वो कल मैं बताया था, तो अब ये टॉल का जीनोटाइप ये है और ड्वार्फ का जीनोटाइप ये है, जब आपसे पूछा जाए तो प्रॉपरली लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पेरेंट। अब यहाँ से जब गैमेट बनेगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, तो इसलिए हम एक एक लिखेंगे और क्लियरली यहाँ पर लिखेंगे गैमेट्स, और यहाँ ये दोनों को आपने क्रॉस किया, तो कल जो हमने मेथड किया था हाइब्रिडाइजेशन वो कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हियर यू आर डूइंग हाइब्रिडाइजेशन, जिस पर आपने टेंथ में गौर नहीं फरमाया होगा, सीधे ऐसे लिखा F1, और F स्टैंड्स फॉर सिल्वर पहला जनरेशन, तो बुक में एफ भी है, एफ का मतलब होता है फिलियल माने जनरेशन, पीढ़ी पहली एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, तो जनरेशन के लिए जी नहीं लिया गया, बिकॉज जी स्टैंड्स फॉर गैमेट, इसलिए F1, F2, F3। अब जब ये हुआ तो इसमें सारे टॉल हो गए। अब सुनो इसके आगे की बात, F2 रेज करने से पहले जो आगे लाइन दिया होगा, मेंडल ने जब अपनी पेपर में कहा जो एक टॉल एंड ड्वार्फ को हम क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन सारे टॉल हो जाते हैं, तो उस समय के जो आदमी थे उन्होंने कहा नो नॉट पॉसिबल,
एक टॉल और एक ड्वार्फ को आप क्रॉस कराओगे तो बीच का होगा, ऐसा हो नहीं सकता। उसने किसके लिए मिक्सिंग के लिए वर्ड आएगा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग माने होता है मिक्स होना। लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, कहा ना ना ये हो नहीं सकता, ये टॉल ड्वार्फ का क्रॉस कराओगे टॉल होगा ड्वार्फ कैसे टूट जाएगा जी, ये बीच का हो। आगे चल के तीन पॉइंट में है, दिस इज वन ऑफ द रीजन पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड। तो एफ वन हुआ, अब इससे एफ टू रेज किया, यानी यहाँ पर सेल्फिंग हुई। तो मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं ऊपर बनाता हूं, ये रहने दे रहा हूं। ये जो नीचे एफ टू होगा बच्चे, अब इसमें जो गैमेट बनेगी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे दो लॉ निकलेगी, दो तरह की गैमेट पोलन बनेगा, ये एक पोलन बनेगा इस टाइप का मेल गैमेट। अब हम फीमेल गैमेट को भी डायग्रामेटिकली बता दें, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। बाई चांस ये इनसे आ गया तो दोनों विदन कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे आपने किया हो। ऐसे बॉक्स बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे टॉल, यहां लिखेंगे टॉल, यहां लिखेंगे टॉल और यहां लिखेंगे टॉल। अब आपको एक चीज और ही बता दो, जिससे पहले बच्चे ने पन्नेट स्क्वायर का नाम लिया था, बुक में है पन्नेट स्क्वायर, तो मेंडल ने इस तरीके से नहीं लिखा, वो लाइन खींच के ऐसे लिखा, बट बाद में अभी साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कहा नहीं इसको इस मेथड में लिखो तो आसानी होगी। जब हम इसको बॉक्स बना के लिखते हैं तो बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर डेवलप बाय पन्नेट, दिस इज द रीजन। इसलिए पिछली क्लास में आपने पन्नेट स्क्वायर बोला था तो मैं उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो जब पर्टिकुलर टाइम आएगी तो मैं बोलूंगा। मेंडल ने ऐसे नहीं लिखा था, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हम इसका ये एफ टू रेज हो गया, अब यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे। ऐसे रिजल्ट लिखने का तरीका अब दोनों अलग अलग होगी, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटाइप, यहाँ पर क्या है टॉल और ड्वार्फ है, तो ये लिखेंगे क्या फिनोटाइप के साथ आप कर रहे हैं, इज इक्वल टू 3:1 और दूसरा फिर क्लियर लिखेंगे भी जीनोटिपिक रेशियो। अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे, जीनोटाइप ये है, तीन तरह की जीनोटाइप आ रही है, एक कैपिटल टी वाला, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, स्मॉल टी स्मॉल। पहले तीनों जीनोटाइप यहां भरेंगे, ये एक आ रही है इस चारों में तो 1:2, ये दो आ रहे हैं 2:1, ऐसे रिजल्ट लिखा जाएगा। अब जब हम ये पूरे लिख लिए और आप डन कर देंगे तब यहां से दो लॉ डेराइव होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ पेंडल, सेकेंड लॉ ऑफ पेंडल, और कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट यू राइट दिस वन, ऑल ऑफ यू नो फ्रॉम योर 10th क्लास, बट आवर स्टाइल विल बी डिफरेंट, वी विल रेज डिफरेंट क्वेश्चंस। आपने 10th में कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पर ये बात तो लॉजिक नहीं हुई होगी कि भाई आप ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम आए थे और वहां लोगों ने इनका एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि तो वहां के लोग उस समय मानने को तैयार ही नहीं थे। एक कोई वो सोचते थे कोई बहुत लंबा है कोई बहुत बौना है तो उसके बच्चे जो है बीच के, उस समय के नॉलेज के हिसाब से इसको बोला गया है ब्लेंडिंग। हाँ बेटा, इसमें सारे पेरेंट्स तो सारे होमोजाइगस से लिया ना, ये तो पहले डिस्कस हो गया था। मेंडल ने सुनो 30,000 प्लांट को एनालिसिस किया, एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन्होंने ये तय कर लिया जो ये प्योर है, यानी उस टॉल वाले लगाया, उसकी सीड को रखा, फिर देखा टॉल, तो पहले ही उसने ले लिया जो ये प्योर है। ठीक है, उनको क्रोमोसोम का पता नहीं था, बट
उन्होंने इस हिसाब से किया जो नहीं इसके प्योर है, टॉल टॉल दे रहा है, ड्वार्फ ड्वार्फ, अब हम क्रॉस करेंगे। येलो सीड का जो हम प्लांट लगाते हैं तो अगला जनरेशन में जितने पौधे होंगे वो येलो सीड ही देगा। तो मेंडल स्टार्ट किया था प्योर से, तो प्योर से देखा नहीं था बट उनकी अपनी एक्सपेरिमेंट लॉजिक से वो लिया था। भले इतना हो जाए तो विपरीत मैं बताऊंगा आगे। हो गया बच्चे, इसको मिटाऊं मैं, ये आपकी पुरानी चीजें हैं। अब हम यहां से क्वेश्चन रेज करेंगे। तो ये हो गया F1, F2। यदि आपको फर्स्ट लॉ, मेंडल्स लॉ, पिक पन्नेट स्क्वायर पूछता है, पूरी बातें आपको लिखना, ऐसे फिनोटिपिक जीनोटिपिक करके अलग अलग करता। अब इसको मैं मिटा दू। अब यहाँ देखो, आपने अब लैंग्वेज में हम लिखेंगे, यू हैव क्रॉस्ड वन टॉल एंड डॉट प्लांट, एक कैरेक्टर यहाँ छिप गया, यहाँ डॉफनेस छिप गया, और दूसरी जनरेशन में फिर वो आ गया। तो पहले छिपा फिर आया, कहीं ना कोई खास बात तो है। तो लेटेस्ट का माहौल, तो यहां से मोनो हाइब्रिड से वी डिराइव टू लॉस, चलिए फ्रॉम मोनो हाइब्रिड क्रॉस टू लॉस आर डिराइव। अब इसमें कौन लॉ है? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट यू राइट इन द लैंग्वेज, देन अगेन वी विल डिस्कस। ये हो गया फर्स्ट लॉ, मैं रीड आउट भी कर देता हूं, आप लिख लें। आता हूं इस पे बच्चे, टेस्ट क्लास में तुम्हारा ये ऐसा ये डिस्कशन होगा, टेस्ट क्लास में आगे बैक क्लास में आएंगे, इसके बाद अभी डिस्कस हो जाएगा उस पर। फर्स्ट ये लाइन है, फ्रॉम अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मीनिंग फ्रॉम अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी टॉल एंड ड्वार्फ, वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट, वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट अदर रिसेसिव इन F1। F1 में क्या हुआ था, एक तो है डोमिनेंट हो गया, एक छिप गया, और इन F2 जब आप रेज किए हैं, these characters segregate in the ratio of 3:1. If it is asked, what is law of dominance? So language में जब आपको पूछा जा रहा है, तो you have to write in the language or with explanation, that is better. Book has also given, but he has break the points. हम book पर भी आए और ये आप, चूंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट वर्ड्स का दे दिया, टर्मिनोलॉजी का, तो अब हम सीधे आपको सामने पेज खोल के चलते रहेंगे,
आपके पास बुक हो, आप भी देखते रहेंगे, और जैसे आपने 11th में एक एक लाइन को बारीकी से देखा है, वैसे बारीकी से लाइन देखेंगे, ईयर देखेंगे। अरे बजारत साहब रुको ना, फैक्टर पे आता हूँ ना, वन बाय वन आएगा जी। अभी इसी की कहानी होगी इसके बाद। आपके मन में जितनी बातें हैं वो आएगी धीरे धीरे, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। और इसलिए बात आपको शुरू से कह रहे हैं, जो बेचारे ये जब मेंडल साहब ने काम किया था उसमें क्रोमोसोम भी नहीं पता था, ये सारे काम करने के बाद ऐसा जो हुआ, उसने कहा भाई कुछ है, कुछ को उसने कह दिया फैक्टर, जो उस पर जिस पर हम आपको बोलेंगे उस फैक्टर को आजकल जीन बोला जाता है, उस समय कहाँ जीन था। ये उनकी लॉजिक थी। ये हो गया बच्चे नोट, नहीं उस समय कोई जरूर पता नहीं था भैया, ये धीरे धीरे आएंगे ना। देखो ये हम लोग तब की बात कर रहे हैं, 1865 में इन्होंने किया। अब आपको मैं बताऊं कोई हिस्ट्री का भी बात है, कोई स्पेस साइंस में 1875 में क्रोमोसोम दिखा दिया वर्ल्ड एयर को, क्रोमोसोम दिखा दिया 1875 में। साइड में नोट करना हो तो करो, आइए 1865 में दे दिए, तो आगे लिखा होगा जो क्यों इनकी इनका वर्क जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया 35 साल तक, कोई बात ही नहीं माना इनका, क्योंकि उस समय क्रोमोसोम कोई देखा ही नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे क्रोमोसोम हुई, फिर डीएनए का डिस्कवर होने लगा, धीरे धीरे तब देखा कि मेंडल जो एक अपनी लॉजिक और उनकी लॉजिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जितनी बात कह गया है वो बात सही है। वो तो धीरे धीरे मैं आपकी फैक्टर्स, मैं जीन सब पे आऊंगा। अब इसको मैं मिटा दूं बच्चे, आई थिंक तो ये तो फर्स्ट लॉ था। अब इसके बाद यहीं से सेकंड लॉ, which is called as law of segregation. यदि पूछा जाता है what is law of segregation, तो फिर लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं कहेंगे, इसको एक कॉन्साइज वे में कहना पड़ेगा। What is second law पूछा, what is second law of Mendel, पूरी ये कहानी कुछ नहीं कह सकते हम, एक हमको लाइन में कहना पड़ेगा इनको, तो हम समझेंगे भी और उसकी भी तैयारी रखेंगे। अब ये जब पूछा गया तो यहाँ लिखेंगे एलिलिक पेयर सेपरेट and if it is asked what is the second law of segregation, तो लंबी कहानी नहीं बनानी है, बात समझ रहे, हमको ये लिखना है। अब ये मैटर कह क्या रहा है उसको भी आप पहले नोट करो, फिर मैं समझाओ। और कोई किसी का क्वेश्चन? हो गया। अब इसमें ये क्या कहता है, जो एलिलिक पेयर, यानी हमने यदि F1 लिया
मेंडल ने कहा था जो ये एलील का पेयर सेपरेट होता है, जबकि उन्होंने इसको कुछ देखा नहीं, इनकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग थी, उससे उन्होंने कहा था ये जो कुछ है ये सेपरेट हो रहा है और ये डबल कंडीशन फिर आ रही है बाय द रैंडम फ्यूजन। अब आप इमेजिन करो जो बिना क्रोमोसोम को देखे समझे ये इन्होंने इस बात को कह डाली, ये आप साइड में कहीं पर जब तब आगे हम बढ़ते रहेंगे तो आप साइड में ईयर और वर्क लिखते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इनके सेल्फ लॉजिक कितनी हाई थी। इन्होंने दिया था मेंडल 1865 में, नंबर वन मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865। और नंबर टू में लिखोगे क्रोमोसोम डिस्कवर्ड इन 1875, क्रोमोसोम की डिस्कवरी यहां हो गई। अब इसके बाद हम आएंगे इसके 25 साल के बाद, क्रोमोसोम के भी डिस्कवरी के 25 साल बाद 1900 में आके इनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया, कैसे उस पर हम आएंगे। तो साइड में बच्चे आप थोड़ा सा ईयर लिख दो और बात लिख दो तो देखोगे कैसे कैसे नॉलेज बढ़ी है और कैसे कैसे बातें खुली इनकी। तो इन्होंने कहा कुछ है भैया, कुछ है, तो कुछ के लिए इन्होंने वर्ड कर दिया फैक्टर, समथिंग इज देयर, फैक्टर है जो ये काम कर रहा है। बट इमेजिन यहाँ तक क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं है और ये कह रहा है फैक्टर, ठीक है। अब आपको इसी तरह के अब आगे इससे हम बढ़ते हैं तो एक आपको और सिंपल लॉजिक की बात आपको बताऊंगी। आप विदाउट नोइंग द क्रोमोसोम और विदाउट नोइंग द जीन इनकी लॉजिक कितनी हाई थी जो इन्होंने समझ के मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दिया और ये बिकम द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब केमिस्ट्री में आप पाने मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, अभी मैं आपसे पूछूं तो फटाफट कर देंगे सर ये नहीं पता सोडियम पोटेशियम रुबियम सीजियम एंड कैल्शियम ऐसे लगा है, एटॉमिक साइज एटॉमिक नंबर ऐसे भर रहे हैं। तो क्या मेंडेलिव के टाइम में एटॉमिक नंबर एटॉमिक साइज पता था, उसने कैसे सजा दी? तो उनकी भी एक लॉजिक हाई थी, तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए उन्होंने जो उस समय में जो एलिमेंट डिस्कवर था उसकी प्रॉपर्टी के स्टडी के हिसाब से उसने कार्ड बनाई अपने बच्चों को पढ़ाने की, कार्ड उनकी लॉजिक हाई थी तो कार्ड को सजाया। अब वही कार्ड बनी पीरियोडिक टेबल जो बीच में उनको नहीं मिला तो उसने खाली जगह छोड़ दी थी जो इसमें कुछ होगा जिसको आप लेंथ एंड नाइट 89 पढ़ते हो। तो विदाउट एटमिक नंबर और एटमिक साइज जाने हुए उन्होंने पीरियोडिक टेबल दे डाली, दैट इज व्हाट इज दैट आई लॉजिक डेडिकेटेड वर्क। इस तरह के कई चीजें आपको मिलेगा, मैं तो ही अभी बता रहा हूँ चूंकि वो इधर आप बायोलॉजी का कर रहे हैं तो एक आपको उसका केमिस्ट्री, तो आदमी की जो लॉजिक होती है डेडिकेशन होता है वो कैसे रिजल्ट लाती है। अब बच्चे इतनी बातें हो गई, अब हम दूसरी बात पर अभी आ रहे हैं इमीडिएट। अभी यहां से दो लॉ तो आपने कर लिया, अब हम आपसे पूछेंगे ये एफ टू जेनरेशन से उसका क्वेश्चन। ये ऐसे आया था, ये था टॉल, ये था ड्वार्फ, ये था टॉल और ये था ड्वार्फ, ये टॉल ये टॉल ये टॉल ये ड्वार्फ। अब यहां से मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट परसेंट ऑफ एफ टू जेनरेशन जेनरेशन इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस विल ब्रीड ट्रू? अब ये वन मास क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखे आंसर इस पर डालो।
ठीक है, एंड व्हाट परसेंट विल ब्रीड ट्रू फॉर डोमिनेंट थ्रेट, राइट? ठीक है, वेरी गुड. व्हाट परसेंट विल ब्रीड ट्रू फॉर डोमिनेंट थ्रेट? व्हाट परसेंट विल नॉट ब्रीड ट्रू? ठीक है, यहां पर हो गई. अब इसके यहां तक आपका ठीक है, यू गॉट द कॉन्सेप्ट, हैप्पी. ऐसा बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब हम बैक क्रॉस में आते हैं. अब आप हेडिंग लिखेंगे बैक क्रॉस. तो बैक क्रॉस समझने के लिए पहले हम फिर से यही मैथ को लिखेंगे, इसी को, टॉल एंड ड्रॉप. इसमें हम F2 नहीं जाएंगे, हम यहीं तक रुकेंगे F1 तक. अब मान लो F1 या आगे का, इसको आप, आपका मन है कि नहीं भैया हम F2 रेज नहीं करते, हम इनको इनसे क्रॉस करा ले, देखते क्या होता है पेरेंट से. तो अब जब यदि आप इसको इन दोनों से क्रॉस करा लिया, तो आप पीछे गए मुड़ के कि भाई ठीक है, हम सेल्फिंग ना करके दोबारा से क्रॉस करते हैं, तो बैक क्रॉस बोल. अब नोइंगली जब आपने इसको रिसेसिव बॉन्ड वाले से करा दिया, तो ये कहलाया टेस्ट क्रॉस. अब टेस्ट क्रॉस आपने ये वर्ड नहीं है, बट ये 74 पेज पर है वर्ड. हम आके यहाँ पर ओपन करते हैं भी आते हैं. अब ये चल के इससे क्रॉस करा दिया, ये वर्ड तो इस यहाँ चैप्टर में है नहीं, लेकिन इसे बोलते हैं आउट क्रॉस. अब इसकी कॉन्सेप्ट हमको दे रही है चैप्टर नंबर 9 में, लेकिन यह तो जेनेटिक्स की मैटर ही है, तो हमको तो यही समझना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक मिनट, सेकेंड लॉ मोहम्मद जैद साहब बता रहे हैं सेकेंड लॉ एक बार फिर, तो इसको भी यहीं पर आने दें. अब एक बार बोल, सेकेंड लॉ कहती है क्या, जो एलिलिक पे है. अब बच्चों ये क्रोमोसोम है, जब मियोसिस होती है तो ये एलील का जो पेयर है, एलील जो हमने कल सारा डिस्कस किया था, जीन और एलील, तो गैमिट बनने में ये तो आधा हो जाता है ना जी. यहाँ गैमिट बनेगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हाफ हो जाएगा. तो ये कहा मेंडल ने, जो एलिलिक पेयर सेपरेट्स ड्यूरिंग द गैमिट फॉर्मेशन, जब गैमिट बनता है तो बिना क्रोमोसोम देखे ये बात उसने कह दिया, सेपरेट हो गया. अ डबल कंडीशन इज रीस्टोर, फिर डबल के डबल आ जाते हैं जब इसमें रैंडम फ्यूजन होता है. इसी को कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना. एक मिनट रुक जाओ भाई, फिर क्वेश्चन डालना सारे बच्चे का, क्वेश्चन में तो देख लू. अब रुक जाओ, एक ही बार डालोगे तो आंसर नहीं होगा. अब पहल का कह गया ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर. अब पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आपसे हम काम कराएंगे, तब आपका आंसर आएगा. जो पहले से जो बच्चे पूछ रहे हैं तो कैसे समझेंगे, तो प्योर था इम्प्योर था, पहले देखें. अब व्हेन इट इज क्रॉस विद आइदर ऑफ द पेरेंट, हम पहले इसको लिखे फिर इसको हम डिफाइन भी करेंगे. व्हेन लिखिए पहले, व्हेन एफ वन इज क्रॉस विद either of the parent is called back cross. Number two, when it is crossed with recessive parent is called test cross. आप लोगों के जब क्वेश्चन आते हैं प्योरिटी वाला, इसी से पता चलेगा. आगे इसको मैं पढ़ाऊंगा.
टेस्ट क्लास। और थर्ड पॉइंट के आपने लिख लिया था शायद, अब इसका कैलकुलेशन सामने कराऊंगा। बैक क्रॉस को फिर से लिखिए, व्हेन F1 इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ द पेरेंट। आप जैसे गाड़ी में बैक गियर लगा देते हैं, गाड़ी पीछे चल रही है, इसमें आपने आगे नहीं करके इसको पीछे से पेरेंट से क्रॉस करने जा रहे हैं अगले साल। तो व्हेन F1 इज क्रॉस्ड विद आइदर, किसी एक से आपने क्रॉस करा दिया तो इसको बोला बैक क्रॉस। यदि आप नोइंगली इसको रिसेसिव से करा दिया तो इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, और डोमिनेंट वाले से करा दिया, टॉल वाले से करा दिया तो बोलेंगे आउट क्रॉस। अभी इसको लिख के फिर अभी क्रॉस करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन निकालेंगे, तब आपको पता चल जाएगा जो आर्टिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन F1 इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट इज कॉल्ड आउट क्रॉस। पहले राइटिंग हो जाए तो फिर बताएंगे। डन। आप यहाँ पर पहले यहाँ लिखा आपने, पहले ये F1 वाला था, ये F1 यहाँ भी इसे इसको आपने क्रॉस करा दिया, यहाँ लिखा टेस्ट क्रॉस, इसको क्रॉस करा दिया डोमिनेंट वन से, इसको कहा ऑफ। तो अब कहीं पर रास्ते पहले क्रॉस कर लीजिए, फिर यहाँ फिनोटिपिक जीनोटिपिक लिखेंगे, फिर इसकी सिग्निफिकेंस लिखेंगे जो आपके दिमाग में चल रही है, इसे कैसे पता चलेगा। पहले यू क्रॉस योर सेल्फ और इनका दोनों का मुझे फिनोटिपिक, पहले इनका फिनोटिपिक जीनोटिपिक निकाल दे बच्चे। अब तक मैं टेस्ट क्रॉस पे यहां भी आ रहा हूं। एक अभी एक और बता दूं, जब हमने 72 पेज खोल रखा है, ये जीन्स और ये एलील्स ये सारे हम आपको उस समय डिस्कस कर दिए थे, उठेंगे तो ये सारे इसलिए एक साथ करना है। देखो ये होमोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये देखिए एक मिनट देख लीजिए इसको, पेज को, दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन, फिनोटाइप जीनोटाइप ये सारे एक साथ डोमिनेंट रिसेसिव करा के, ये देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यही क्रॉस अभी आपने किया है। अब ये देखिए यहाँ पर पन्नेट स्क्वायर वर्ड आ गया, लिखा है पन्नेट स्क्वायर, ये बॉक्स वाला सिस्टम जो डेवलप किया था वो किसका डेवलप किया हुआ था, तो ये रेगिनाल्ड सी पन्नेट, जो पिछली क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे थे उस समय मैं आपको कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेंडल का ये नहीं किया हुआ था, ये किया हुआ था इनका, या लिखा है ये पन्नेट। हम लोग आ गए हैं इस पर, चलिए अब क्रॉस बताइए। हाँ ठीक है, तजारत का ठीक है, इसको बच्चे 1:1 कर दो ना, किसका और आउट क्रॉस। एक मिनट मोहम्मद जैद, जीनोटिपिक जीनोटिपिक दोनों लिखे भाई।
काम तो सही कर रहे हैं। अरे चार क्यों होगा? अमानत जिया, चार कहाँ से आ गया? ऊपर बच्चे ठीक किए हैं। यहाँ देखो ये सामने है आपका टेस्ट क्रॉस वर्ड। अभी मैं आ रहा हूँ बुक पे खोलने के बाद। एक मिनट सही आंसर देखिए। टेस्ट क्रॉस यहाँ दिखाया गया है। हम हाइट लेके कर रहे हैं या फ्लावर कलर लेके क्या है भाई, देखते रहिए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे की समझ में आ रही है। देखो इसमें दो तरह के गैमेट बने, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब इसको बच्चे हम एक बार लिखें या दो बार लिखें, सिंपलीफाई देखिए, गैमेट एक ही तरह की बनेगी। हम एक बार लिखते हैं तो भी, दो बार लिखते हैं तो भी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल। यहाँ हो गया देखो, इनोटिपिक रेशियो मिला लीजिए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इज इक्वल टू टॉल इज टू, डॉट इज इक्वल टू 1:1। कुछ बच्चे 2:2 निकाले हैं तो भी 1:1। हमेशा सिंपलीफाई करिए। और देखो जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, दैट इज 1:1। तो एक बॉक्स में कंक्लूजन ले गए। नोट इन टेस्ट क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो जेनेटिपिक रेशियो इज द सेम, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इस टेस्ट क्रॉस फिनोटिपिक जेनेटिपिक रेशियो इज द सेम, इस बॉक्स में लिख देंगे। देखिए, और दूसरा इसकी सिग्निफिकेंस लिखेंगे, इट इज ए टेस्ट ऑफ प्यूरिटी। इट इज ए टेस्ट ऑफ प्यूरिटी। यहाँ पर एक स्पेशल लिखा जो इंटरेस्ट क्रॉस फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो इज सेम, और सिग्निफिकेंस में लिखेंगे इट इज ए टेस्ट ऑफ प्यूरिटी। अब इनमें देखो बच्चे, इसमें फिर वही दो तरह के गैमेट इनके बनेंगे, और इसमें आप दो बार लिखो चार बार लिखो, गैमेट तो एक ही बनेगा। तो सिंप्लीफिकेशन सीखिए, ये टी टी एंड टी टी। तो फिनोटिपिक क्या हो गया? कोई रेशियो नहीं, ऑल टॉल, दोनों टॉल, एक होमोजाइगस टॉल एक हेटरोजाइगस टॉल, दैट इज सेपरेट थिंग। इसमें से 50% ट्रू रीड करेगा, 50% नहीं करेगा। और जीनोटिपिक रेशियो इक्वल टू कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू 1:1। तो यहाँ पर फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम था, यहाँ डिफरेंट है। और इसकी सिग्निफिकेंस में लिखिए, इट इज डन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म। एनिमल में भी यूज होता है, ये चैप्टर नंबर 9 में आएगा। इसमें आपको पता है जो अगला जो हम क्रॉस कराने जा रहे हैं वो टॉल है या उसमें बड़े फ्रूट्स लग रहे हैं, हमको वो कैरेक्टर लेना है। या एनिमल है तो मुझे पता है इसमें ज्यादा मिल्क है तो हम इसी से क्रॉस कराएंगे। इट इज डन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट, और ये आपको आएगी चैप्टर नंबर 9 में। तो उसको जेनेटिकली समझना पड़ेगा, वह सिर्फ डेफिनेशन है। अब आप सेम थिंग में आइए, फिर एक बार टेस्ट क्रॉस पर बहस करें, पेज नंबर 74 पर देखते हुए जो बच्चे पूछ रहे थे, इट इज अ टेस्ट ऑफ प्यूरिटी। अब यहीं पर देखिए, आप यहाँ पर देखो, आता हूं भैया, देखिए ये फ्लावर। अब हाइट को छोड़ दो, ये बुक में जो ये लिया हुआ है ये फ्लावर कलर ले लिया, तो ये जो कलर यहाँ लिया हुआ है, अब ये कलर हो सकता है जो होमोजाइगस में हो या हेटरोजाइगस में। तो अब आप क्या करोगे इसको, ये रिसेसिव से होमोजाइगस रिसेसिव कहिए,
which is sometimes also called as double recessive. यदि आपको कहीं पर double recessive word मिलता है तो भी ये same है. Don't get confused. कभी कभी question में मिलेगा double recessive. तो recessive homozygosity है. तो अब यहाँ पर देखो इसने cross करा दिया. ये प्रिज्यूम करके ये दो कभी होमोजाइगस में है तो सारे कलर आ जाएगा. नहीं वन इज टू वन आ गया तो भैया ये हेटरोजाइगस था. सो इट इज ए टेस्ट ऑफ प्यूरिटी. तो टेस्ट इनका सिग्निफिकेंस हो गया टेस्ट ऑफ प्यूरिटी. हेटरोजाइगस का होमोजाइगस भैया एडवांटेज भी बात करेंगे. होमोजाइगस का एडवांटेज आगे चल के आएगा प्योर लाइन. एक ही बार मत आओ. लगता है आप लोगों ने कर लिया है कहीं पर ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं. ये आगे आगे पूछ रहे हो आप. अच्छी बात. दोनों की सिग्निफिकेंस है. प्लांट में भी हमने डिस्कस किया था एनिमल में भी किया था. होमोजाइगस की सिग्निफिकेंस है. नहीं किया अभी कोई बात नहीं. आउटक्रॉस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट एज वेल एज इन हम लोग यदि प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट और एनिमल का भी इम्प्रूवमेंट होता है जो चैप्टर नंबर 9 में दोनों बातें लिख लो. अब मान लो एक बच्चे और गए थे और एक क्वेश्चन थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ तक कर लिया तो कल जो हमने टर्मिनोलॉजी की उसी में ये सब कवर अभी हो गया. अब इसमें इस पहले इसको और एक बच्चों को बता दूं उसके बाद आगे आएंगे. एक बार टेस्ट क्रॉस पर और बहस. हमने कहा था जो व्हेन द एफ वन इज क्रॉस लेकिन एफ वन एफ टू एफ थ्री या अननोन पेरेंट हम टेस्ट क्रॉस पर फिर दोबारा से बहस करेंगे. अब हम कहते हैं भैया यहाँ ये प्लांट है और ये टॉलेज है. ये चाहे एफ वन का है या एफ टू का है या एफ थ्री का है मुझे पता नहीं है टॉल प्लांट है. अब हम मुझे पता करके कहो कि ये होमोजाइगस है लोर है और हेटरोजाइगस. तो उस टाइम के हिसाब से ये यदि होमोजाइगस है तो इनका जीनोटाइप ये होगा या हेटरोजाइगस है तो इनका जीनोटाइप ये होगा. यदि आप इस प्लांट को रिसेसिव से क्रॉस करा दिया और सारे टॉल आ गया तो ये प्रूफ हो गई ना कि ये होमोजाइगस टॉल थे. और रेशियो यदि 1:1 आ गया तो हेटरोजाइगस टॉल थे. तो 74 पेज पर जो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन है दैट इज इन द लैंग्वेज ऑफ मेंडल. तो वहां F1 नहीं लिखा हुआ. तो टेस्ट क्रॉस ऐसे टेस्ट एज ए नेम ही टेस्ट करते हैं. मुझे पता करना है कि प्योर है या इम्प्योर. ये किस समय की बात है जी 1900 से पहले की बात है. अब कहोगे सर आजकल क्या होता तो भैया आजकल तो ये मेथड आ गया जो सीधे जीन को देख लेते. पहले हम वहां से शुरू करेंगे तब बायोटेक आते आते अभी क्या हो रहा है वो तक मैं बोल ये बात करेंगे. कल वाली क्लास मैंने आपको कहा था जेनेटिक्स आजकल यहाँ पहुंच गई है जब फीटस ग्रो हो रहा है तो उसको बता देगा जिसको किस उम्र में कौन सी बीमारी होनी है क्या होनी है. तो अब जेनेटिक्स वहां जा रही है. हम लोग बात कर रहे हैं 1900 से पहले की इनकी हिस्ट्री के बारे में बात. अब इसमें दूसरी बात में आ जाओ बच्चे. अब ये तो मेंडल की फर्स्ट लॉ और मोनो हाइब्रिड हो. अब इसके बाद लोगों ने जब ये हो गई तो दूसरे प्लांट पर देखना शुरू किया. अब यहाँ वर्ड आ गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो यहाँ पर एक काम मैं करता हूँ अभी टाइप्स ऑफ डोमिनेंस पर एक क्वेश्चन ही बना दे पहले. व्हाट आर डिफरेंट types of dominance gave
एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, हमने अलग से क्वेश्चन बना दिया आपका, तब हम इसको इनकम्प्लीट को देखेंगे। तो इसका आंसर आ गया कंप्लीट डोमिनेंस। समझा भी देता हूं, अभी सामने खुला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अभी पढ़ेंगे। और तीसरा आपके बुक में है क्रू डोमिनेंस, होता और भी है लेकिन वो हमारे में नहीं है, हाइपर डोमिनेंस हाइपो डोमिनेंस। तो हमें है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमिनेंस है, व्हाट आर थ्री टाइप्स ऑफ डोमिनेंस। तो ये कंप्लीट डोमिनेंस, तो अभी तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा सिर्फ व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमिनेंस, गिव एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप। तब तो भैया हम नाम लिखेंगे, एग्जांपल देंगे, और फिर इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो इसमें एग्जांपल कैरेक्टर्स सेलेक्टेड बाय मेंडल, जितने मेंडल लिया था कैरेक्टर्स में कंप्लीट डोमिनेंस थे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस सामने खुला हुआ है, अभी डिस्कस करेंगे, पहले लिखते हैं। तो फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन, इसके दो नाम और भी हैं, अभी एक लिखे। और कोडोमिनेंस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आगे इसके बाद पढ़ना है। हालांकि 11th में थोड़ा हमने पढ़ाया था, लेकिन अब फिर पढ़ेंगे दूसरे तरीके से। यदि ये क्वेश्चन आती है आपको, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमिनेंस एंड गिव एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप, तो आप आंसर लिख सकते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडो। अब इसकी मीनिंग समझ लें, उसके बाद हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आएंगे। नहीं भैया, मेंडल का जो था ना वो उनकी अपनी ही अंदर की शनाख्त, और मेरे पास है उस पर बुक सब। भले आपको जो मैं एक डायरी बना लो, आप क्वेश्चन करते हो, जो मैं ईयर लिखाता जा रहा हूँ ना, वो आप लिखते चले जाओ, आगे चल के आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी आएगा 1902 का, तब आपको पता चलेगा जो क्या है। देखो उनके साथ पढ़ी है, वो उनका सिर्फ इनर का था, इनर था, उन्हें कोई टीचर नहीं। जैसे आपने हमको कहा है फिर इस तरह का एक एग्जाम्पल फिजिक्स मेरी नजर पड़ चुकी है, और वो भी मैं समझाऊंगा आपको, बताऊंगा एक ही सारे एग्जाम्पल कहानी पूरे दूंगा। आज केमिस्ट्री का दे दिया, फिर मैं फिजिक्स वाला भी मेरे दिमाग में है, मैं सारी क्वेश्चन देख रहा हूँ आप, मैं आंसर वो वहां भी बताऊंगा जो हाई लॉजिक की क्या मतलब है, आप समझो। ये आपने नोट कर लिया, इसको मिटाओ ऊपर क्वेश्चन को बच्चे। अब यहाँ कंप्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब हो गया, अभी आपने देखो ये और ये था, तो एक एलील एक्सप्रेस होता है, दूसरा नहीं होता, तो इसको बोला कंप्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट में क्या होगा, दोनों का पार्ट थोड़ा थोड़ा ये भी एक्सप्रेस होगा, हर केसेस में नहीं होता। अब दोनों एलील यदि पूरे एक्सप्रेस हो तो कोडोमिनेंस। तो अब हम ऐसे आंसर तैयार कर लिए, अब पहले इसको समझिए, यहाँ पर दोनों एलील कुछ ना कुछ हरकत करेगा, यहाँ पर छोटा वाला कुछ नहीं कर रहा, या थोड़ा थोड़ा हरकत करेगा। कैसे थोड़ा थोड़ा हरकत करेगा, जैसे बीच में आपके एक आध दोस्त कुछ कुछ यहाँ पर हरकत कर लेते हैं, हल्का हल्का थोड़ी आपको दिखा देते हैं, तो उसी तरह से। अब यहाँ देखो, इसमें ये देखने में लंबा चौड़ा ये प्लांट जो है, ये देखो इसके तीन नाम है। अभी हमने बोला स्नैप ड्रैगन, इनका नाम है एंटीराइनम मेजस, और इसी को बोलते डॉग फ्लावर, कुत्ते वाला फूल। तो कुत्ते वाला फूल मत लिख देना, इंजीनियर डॉग फ्लावर याद रख, ठीक है। अब किसी को एंटीराइनम भूल गया तो डॉग फ्लावर लिख देगा, ठीक है, तो आ जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ दो फ्लावर है,
ये पूरी की पूरी देखिए, समझा के फिर इसकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी। ये एक प्लांट है जो रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा है जो व्हाइट कर रहा है। इसको यदि आपने क्रॉस किया तो यदि इसने देखा मेंडेलिज्म के हिसाब से होता तो इनको रेड होना चाहिए था, ये बीच का हो गया जी पिंक, रेड न व्हाइट। ये एफ वन में सारा पिंक। अब जब इसका एफ टू रेज किया जहां दोनों कैपिटल आर आ रहा है ये वो रेड, जहां कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है वहां पिंक, और दोनों स्मॉल आ गया तो बस। अब देखो इसके रीजन, पहले तो हम इसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो निकाल ले। यहाँ देखो बच्चे ऐसे क्लियर कट लिखेंगे, प्लांट के नाम इनके तीन हैं उस पर फिर आते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन देख ले। जो फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट। अब देखिए मेंडेलिज्म में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, वन इज टू टू इज टू वन। एंड अगेन जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू वन इज टू टू इज टू वन। इनकी ऑप्टिमिटी क्या हो गया जी, टेस्ट क्रॉस की तरह इनकी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम हो गया। पहले तो इनको लिखे, ये इतने लंबा चौड़ा मित्र ही दिया है, इस पेज में कुछ है कहा, ये देखो इस पूरी पेज में यही कहानी है इनकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो लिखने से पहले ये देख लीजिए, ये छोटा वाला आर जो है ये जो वाइट होता है वो कुछ ने इसको तंग किया है बड़ा वाले, जो इसको रेड होने नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है तो पिंक हो जा रहा है, इनकम्प्लीट। जैसे अब दो बच्चे ऐसे करके कुश्ती कर रहे हैं, एक कम्प्लीट एक को दबा दिया तो एक डोमिनेंट हो गया, एक रिसेसिव हो गया, लेकिन ऐसे रेसलिंग हो रही है जो कभी इसको वो दबा रहा है कभी वो इसको दबा रहा है, इधर इधर कर रहा है, तो हो गया इनकम्प्लीट। यानी कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है रिसेसिव वाला। नोट करो, हो जाए तो लिखना डन। फिर इस पर क्वेश्चन,